पानीपत की विजिलेंस टीम ने जिला खंड शिक्षा कार्यालय से राजीव त्यागी व सत्य नारायण को रंगे हाथों 1000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। राजीव त्यागी जो कि जिला खंड शिक्षा कार्यालय में क्लर्क की पोस्ट पर काम करते हैं, इसी कार्यालय में सत्यनारायण पीएन के रूप में कार्यरत हैं। विजिलेंस अधिकारी नरेंद्र ने बताया कि शिकायतकर्ता राजेंद्र सिंह, जिनके पिता गांव देहरा तहसील समालखा में जेबीटी टीचर के रूप में कार्यरत थे और कैंसर से पीड़ित थे, उनका स्वर्गवास हो गया था और मेडिकल क्लेम के बिल हेड ऑफिस से पास होकर आए हुए थे जो कि समालखा भेजने थे, लेकिन इन बिल को भेजने के एवज में राजीव त्यागी व सत्यनारायण ने रिश्वत मांगी और राजेंद्र सिंह की शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हरिओम अत्री की अगुवाई में दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर अंडर सेक्शन 713 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये मुदई है राजेंद्र सिंह, गांव देहरा जिला समालखा से रहने वाला। इन्होंने आज हमें कंप्लेंट दी कि डी डब्ल्यू ऑफिस में इनके पिताजी जो स्वर्गवासी हो चुके हैं वो जेबीटी टीचर थे और उनसे मेडिकल क्लेम संबंधी बिल हेडक्वार्टर से पास होके इनके पास आए हुए हैं, जिसको डिस्पैच करने के एवज में समालखा भेजने के एवज में वहाँ पर तैनात क्लर्क राजीव त्यागी इनसे 1000 रुपये की डिमांड कर रहा है, जिसके लिए इन्होंने हमें कंप्लेंट दी और उस पर हमने अपने सीनियर अधिकारियों से बात करके डीसी साहब से परमिशन लेके ड्यूटी में मजिस्ट्रेट नियुक्त करवा के रेड की, जो कि वहाँ पर रेड हैंडेड होते हुए राजीव त्यागी और पीयून सत्यनारायण जिन्होंने पैसे प्राप्त किए, दोनों को रंगे हाथों पुलिस ने बिजनेस से गिरफ्तार कर लिया। 1000 रुपये की रिश्वत के साथ इनको गिरफ्तार किया गया। पानीपत से अजार टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन रितेश कुमार के साथ सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।